Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, सम्मान्य सदन, हम में से कुछ साथी अब इस अनुभव को लेकर के समाज सेवा की अपनी भूमिका को और मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सदन में से जो जाने वाले महानुभाव हैं, इनका अपना हरेक का योगदान है, हरेक का अपना महात्म्य है और हर किसी ने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए इस सदन में रहते हुए जो भी योगदान कर सकते हैं करने का प्रयास किया है और उन सबको राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता है। मेरी तरफ से आपके इस सब उत्तम सेवाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सदन उन वरिष्ठ महानुभावों का है कि जिनके जीवन का अनुभव सदन में वैल्यू एडिशन करता है, समाज जीवन की आशा आकांक्षाओं को एक निष्पक्ष भाव से तराजू से तोल करके भविष्य की समाज व्यवस्था में क्या पूरक होगा क्या पूरक नहीं होगा उसका लेखा जोखा करने का सामर्थ्य इस वरिष्ठ सदन में रहता है, वरिष्ठ महानुभावों से रहता है और उसके कारण यहाँ पर जो बात बताई जाती है उसका अपना एक विशेष मूल्य है, उसका एक विशेष महत्व है और वो महत्व ही है जो हमारी नीति निर्धारण में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। हमारे बीच में आदरणीय पराशरन जी जैसे महानुभाव जिन्होंने अपने जीवन में एक प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ एक तपस्वी जीवन भी जिया है, ऐसे लोग हमारे बीच से सदन में से हम उनको हमें लाभ नहीं मिलेगा। दो भारत जिनके लिए गर्व करता है ऐसे खिलाड़ी श्रीमान दिलीप जी और सचिन जी, ये दो भी आने वाले दिनों में हमारे बीच में उनका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। प्रोफेसर कुरियन साहब को हमेशा लोग याद करेंगे, उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा, और सीखना चाहिए कि बात तो वही बतानी है लेकिन हंसते हुए से बतानी है, ये उनकी विशेषता रही और उसी के कारण संकट की घड़ी में भी सदन को ठीक से चलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। ये बात सही है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिसके पीछे दल और दल की विचारधारा का नाता न रहा हो, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर हम वही लोग हैं जिनका कोई न कोई वो बैकग्राउंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर उन बातों को प्रतिस्थापित करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहना बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन ये भी अपेक्षा रहती है कि जो ग्रीन हाउस में होता है वो रेड हाउस में होना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और इसलिए क्योंकि एक वरिष्ठ सदन का एक अपना एक महात्म्य रहता है, हर एक ने अपनी अपनी उस भूमिका को निभाया है, मैं मानता हूँ शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जब आखिरी सत्र होगा तो ये विषय मैं उठाऊँगा, मैं ऐसी तैयारी करके जाऊँगा कि जाते जाते एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण करके जाऊँ, मैं ऐसे विचार रख करके देश के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण काम के अंदर अपना योगदान दे करके जाऊँ, लेकिन शायद वो सौभाग्य आप लोगों को जाते जाते नहीं मिला और उसके लिए यहाँ की जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम सबकी जिम्मेवारी है कि आपको ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अच्छा होता आप जाने से पहले कोई महत्वपूर्ण निर्णय में
बहुत ही उत्तम प्रकार की भूमिका निभा करके आखिर में कोई उत्तम चीज़ें छोड़ करके जाने का अवसर मिल गया होता तो आपको एक विशेष संतोष होता, लेकिन शायद इस सदन का ही कारण रहा कि आप उस सौभाग्य से वंचित रह गए। कल तो लग रहा था शायद आज ये भी मौका छूट जाएगा, लेकिन चेयरमैन श्री ने काफ़ी मेहनत की, सबको समझाने का प्रयास किया, सबको साथ लेने का प्रयास किया। श्रीमान विजय जी भी लगे रहे, आखिर के ये संभव हुआ कि आज सभी जाने वाले सदस्य अपनी भावना प्रकट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जो योगदान, जो इतिहास जिसको हमेशा याद रखता है, वो सौभाग्य आप में से जाते समय वाला, बीच में तो आपको जरूर अवसर मिला है, उसका आपने उपयोग भी किया है, वो एक छूट गया है। ट्रिपल तलाक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जो हिंदुस्तान के आने वाले इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं, उसका निर्णय करने की प्रक्रिया से आप वंचित रह गए। जो वापिस आए हैं उनको तो सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जो जा रहे हैं उनको शायद इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसले से वंचित रहना पड़ा, उसका भी कुछ न कुछ तो मन में कसक आज नहीं तो 10 साल 20 साल 25 साल बाद जरूर रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अच्छा होता कि सारी चीज़ें हम कर पाते। मैं फिर एक बार जो सभी माननीय आदरणीय सदस्यगण जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके साथी के नाते आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप ये मत मानिए कि सदन के दरवाजे बंद होने से इस पूरे परिसर के दरवाजे बंद होते हैं। आपके लिए इस परिसर के दरवाजे खुले हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय खुला है, देश के लिए हित में आपके मन में जब भी जो भी विचार आए आप जरूर आए, मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनने का, आपको समझने का, और आपके विचारों को जहाँ भी होंगे आप योगदान देंगे, मैं उसको आगे पहुँचाने का जरूर प्रयास करूँगा। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।